टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पैसिव एंड रिच। अब पैसिव एंड रिच क्या चीज़ होती है? रिच हमें पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ सरफेस होती है जो कि आगे को उभरी हुई होती है या स्वॉलन होती है, उसे हम कहते हैं रिच। अब होता ही ऐसे है कि पैसिव एंड रिच बनता है फेयरिंग्स के अंदर। फेयरिंग्स के हम लेयर्स को जानते हैं कि पहले आउटर लेयर होती है म्यूकोसा, फिर होता है सब म्यूकोसा, फिर होता है आउटर लेयर ऑफ मसल्स जो कि कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडिल कंस्ट्रक्टर, इनफीरियर कंस्ट्रक्टर। उससे पीछे होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अब होता ही ऐसे है कि फेरेंस का हमें पता है कि वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, नेजोफेरेंस एंड लेरिंजोफेरेंस। अब ओरोफेरेंस और नेजोफेरेंस के दरम्यान फेरेंजियल स्थमस प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं ये होती है अरेंजमेंट म्यूकोसा सब म्यूकोसा कंस्ट्रक्टर लॉन्गिट्यूडिनल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि म्यूकोसा जो होता है फेरेंजियस का, लेकिन ओरोफेरेंस और नेजोफेरेंस के दरम्यान जो फेरेंस है उसके जो म्यूकोसा होता है इसके ऊपर कुछ फाइबर्स आ जाते हैं पैलेटो फेरेंजियस मसल के, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ठीक है। इसके इस तरह से फाइबर्स आ जाते हैं पैलेटो फेरेंजियस मसल के राउंड। तो अब होता ही ऐसे है कि जब ये पैलेटो फेरेंजियस मसल कंस्ट्रक्ट करता है पैलेटो फेरेंजियस मसल जो कि डीप होता है सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल के और म्यूकोसा के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ठीक है। तो जब ये कंस्ट्रक्ट करता है तो इस तरह से एक रिज बन जाता है। ये रिज बनने की वजह से क्या होता है कि जो ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स के दरमियान फेरेंजियल इस्थमस था वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से पैलेटो फेरेंजियस मसल को हम पैसिवेंट मसल कहते हैं और जो रिज बनता है इसकी कंट्रैक्शन की वजह से, पैलेटो फेरेंजियस मसल की कंट्रैक्शन की वजह से, उसे हम पैसिवेंट रिज कहते हैं, ठीक है। पैलेटो फेरेंजियस फॉर द पैसिवेंट मसल एंड ड्यूरिंग फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द पैलेटो फेरेंजियस मसल कॉजेज द पैसिवेंट रिज फॉर्मेशन।